नोटिस पर पेश हुआ, तब मैं गवाह था लेकिन अब मैं आरोपी कैसे बन गया, यह कहना है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली लीकर पॉलिसी केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कल उन्हें सीबीआई ने रात को आधी रात को गिरफ्तार कर लिया था। आबकारी नीति घोटाले के तहत अरविंद केजरीवाल को राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद जांच एजेंसी ने उन्हें वहां से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिली है कि अरविंद केजरीवाल की तबियत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। आज भी उनकी तबियत खराब होने के विषय में जानकारी दी गई है। सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल पहले गवाह थे, अब आरोपी कैसे बन गए हैं। दोनों पक्षों की दलीलें कुछ इस प्रकार से रही। केजरीवाल के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी का जो व्यवहार है वो बेहद पक्षपातपूर्ण है। एक व्यक्ति पहले से ही जेल में बंद है तो उसे दूसरे मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल के एडवोकेट मिस्टर चौधरी ने कहा कि उनकी टीम को यानी कि केजरीवाल की जो लीगल टीम है उनको सारे कागजात सौंपे जाएं और कल तक के लिए सुनवाई करने का समय दिया जाए। वहीं इसके जवाब में सीबीआई ने कहा कि हम यह सब कार्यवाही चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद कर सकते थे, हमने इंतजार किया और अरविंद केजरीवाल पर जो कार्यवाही अभी की जा रही है वो कोर्ट की अनुमति के साथ ही की जा रही है। वहीं सीबीआई ने गिरफ्तारी के विषय में बताते हुए कहा कि यह कहीं पर भी लिखा नहीं है कि यदि सीबीआई कोई कार्यवाही करने जाती है तो विरोधी पक्ष है उसको इसकी जानकारी दी जाएगी, यानी वो अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। वहीं दस्तावेज के विषय में जानकारी देते हुए सीबीआई ने कहा कि सीबीआई को केवल और केवल कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता है, इसके अलावा अन्य किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है और दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है वह कोर्ट में आवेदन दे सकती है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के एडवोकेट मिस्टर चौधरी ने कहा कि मेरा एकमात्र निवेदन यह है कि हमारी पहुंच दस्तावेजों तक बनाई जाए। मैं ऑर्डर के विषय में कुछ नहीं कह सकता, परंतु आवेदन जो आज दायर किया गया है उसके दस्तावेज दिए जाएं ताकि कल मैं उसके विषय में जवाब दे सकूं। अरविंद केजरीवाल के लिए नियमित जमानत पर अंतरिम रोक लगाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। संभावना यह है कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को खारिज करने के हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अरविंद केजरीवाल की टीम सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल कर सकती है।